बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्लेयर अलर्ट। जैसा कि आपको बताया था कि ये मेले की जगह है, मेले वाला गाँव है पड़थाल। तो ये देख सकते हैं आप आज इधर कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें हर तरफ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको। तो ये मेला बड़ा लगा इधर आज, तो आगे जाकर और नज़र आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं मेले में, लेट हो गए हैं, पिछला पैर हो गया, इसलिए थोड़ा जो है ना लेट। मेले में हम पहुँच गए हैं, तो आज जो है ना बारिश भी हुई है। ये मेले की खासियत है, या तो बुध को बारिश हो जाती है और ईद में, या फिर जो है ना वो जुमेरात को सुबह बारिश होती है। ये हर साल की यही रूटीन है, इसमें अल्लाह ताला का जो समय में मेले पर बारिश जरूर होती है। लोग आए थे वो जो अभी वापस जा रहे हैं, जो इधर नज़दीक के गांव वाले हैं वो अभी इधर ही हैं, जा रहे हैं। चल ठीक है, सात आठ साल बाद जो है वो इस तरह लगा था। पहले जो है वो मेला सात आठ, ये देख सकते हैं आपके झूले जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं, क्योंकि झूले नहीं लग रहे थे, ये सिक्योरिटी की वजह से झूले बंद हैं। और मौत का कुआं वो भी नहीं चल रहा, क्योंकि उनका शोर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और रश भी इनके ऊपर फिर लग जाता है, तो इसलिए ये झूले बंद हैं। झूले और मौत का कुआं, ये दोनों चीज़ें बंद हैं। ये देख सकते हैं आप लोग आगे जा के दवाए फातिहा पढ़ रहे हैं, ये सब लोग उधर जाकर जो खाक वो भी हासिल करते हैं। तो और पानी जो है उधर नलका भी लगा है, तो पानी भी पीते हैं और साथ में बोतलें वगैरह भी भर लेते हैं, क्योंकि ये खाक जो है ये चप्पल वगैरह नहीं होती है, इस पर ये लगाते हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो छुपा देता है, इसी वजह से ये मेला मशहूर है। दोस्तों जा रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है, जहाँ से गुजरा नहीं जा रहा, आस्ता आस्ता जा रहे हैं हम। आज आगे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत मेला है, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। ये मेला जो है वो पाकिस्तान में गुजरात से मनाया जाता है, इंडिया में जो है ये बुध को मनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप नाजर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो चुका है इधर, तो ये अभी ये रश जो आप देख रहे हैं ये अभी कुछ नहीं है, ये तकरीबन तीसरा हिस्सा रश है मेले में, ठीक है। तो अगर मेला लगे ना रूटीन के मुताबिक, तो फिर जो है इधर से पैदल भी नहीं गुजरा जाता, बहुत ही जो है ना वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मेले में आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रश है, हम आगे की तरफ आ गए हैं। ये लोग जो है वो आगे एंड पे जो है ज़ीरो लाइन पे थे, वो ज़ीरो लाइन पे जो है फैदिया पढ़ के वापस आ रहे हैं, और जो दूसरे वो अभी जा रहे हैं। तो जो पहले तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इधर मज़ा आता था मेले में, दोनों साइड के लोग जो एक दूसरे के दूर से देखते थे और हलवाई भी करते थे, तो लेकिन अब जो हालात आजाद होंगे थे इस चीज़ की, तो इसलिए जो है ना वो अब अपनी अपनी साइड पे काफ़ी महदूद रह गए हैं, और इसी वजह से मेला भी जो है वो ज़्यादा नहीं लगाते, रश नहीं बढ़ने देते, क्योंकि दुश्मन का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त भी वो वार कर सकता है, इसलिए जो है ना वो आप पहले अपनी हिफाजत जो है ना वो ज़रूरी है। तो ये दुकानें पहले इधर नहीं लगाई जाती थी, ये दरबार है आगे, ये देखें ये दरबार पे अपना जो है ना वो लोग जो है वो धमाल डाल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा मनाजर है, आप वो सामने आप देख सकते हैं,
इधर लोग जो है ना वो आ रहे हैं और चिरागी वगैरह भी डाल रहे हैं, तो बहुत ही पुरकशिश नज़ारा ये। वापस जा रहे हैं, इधर बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे तंग करने लग गए हैं, क्या जैसे पापा घर जाना है, तो गर्मी भी आ जो है मुझे इधर मेले में तो कोई हाल ही नहीं है, रश की वजह से बच्चों के साथ आना जो है बहुत मुश्किल काम है। शाम को आऊँगा अगर तो टाइम लगा दो, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे भी साथ हैं, बच्चों को छोड़ कर आऊँगा शाम को अगर आया तो। चले आप।